दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम दीपाकर्ण। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आई विजयादशमी सातम दिन आसिन शुक्ल सप्तमी तिथि माता सरस्वती के कैल जा रहा पूजा आराधना। कोविड-19 से सेनाक फूलपाती हर्ष बढ़ाए प्रभावित, अतिथि के मास्क आ सैनिटाइजर के प्रयोग कैल गया अनिवार्य। नेपाली बाजार में कारोबार 90% से घटल, उपभोक्ता सब उचित अवसर के प्रतीक्षा में। अमेरिका में राष्ट्रपति निर्वाचन के प्रचार प्रसार अंतिम चरण में, राष्ट्रपति ट्रंप आ प्रतिस्पर्धी जो बाइडन प्रचार प्रसार के दलन तीव्रता। आईपीएल T20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स पराजित, 155 रन के लक्ष्य हैदराबाद, 18 ओवर 2 बॉल में मात्र 2 विकेट में केलक पूरा। अपूरा समाचार। नेपाली समाज में बड़ा हर्ष के साथ मनाओल जाए वाला महान पावन नवरात्रि के सातम दिन आसिन शुक्ल सप्तमी तिथि में ज्ञान शक्ति स्वरूपा माता सरस्वती के पूजा पाठ कैल जाए छन। मुदा एहि वर्ष कोरोना वायरस के कारण देवी मंदिर आ शक्ति पीठ सब में कैल जाए वाला दर्शन एवं पूजा आराधना प्रभावित भेल अछि। संसार में रहल अज्ञानता के नाश कक ज्ञान के माध्यम से सत्य स्थापना कर देवी भवानी सरस्वती के रूप लेने अई दिन में माता महासरस्वती के पूजा आराधना कल जाते। महासरस्वती के अनुकोपास साधके साधना के समय आव परपला भ्रम अपस्मरण से मुक्ति के निर्बाध मार्ग मिलते। सत्य के जानकारी नहीं भक लौकिक लाभ में मस्त बेल आदमी के मंत्र शक्ति, जप शक्ति, पाठ शक्ति, संगीत शक्ति के माध्यम से जीवन मुक्त बनाबा माता महासरस्वती शक्ति प्रदान करवाक वाला से उनका महासरस्वती के रूप में पूजा कैल जाते। बसंत पंचमी में माता सरस्वती के साधक सब पूजा आराधना करते, शारदीय सप्तमी में शक्ति उपासक सब महासरस्वती के आराधना करते। उज्जर फूलपाती प्रयोग क सरस्वती के स्त्रोत शुद्ध संग सारस्वत खुलवाक उच्चारण क देवी भगवती महासरस्वती के पूजा आराधना कैल जाते। भिनसरे महासरस्वती के पूजा केला बाद आजुक दिन संझिया कोटघर समय फूलपाती लेवाक चलन सेहो रहले। देवी मंदिर नजदीकी स्थापना कैल गेल चंडी थान से वा बनदुर्गा से कोट वा दशमी घर में केरा, उखक गाछ, दारिम आदि, हरैद, करछूर, मानल के गाछ, बेलपत्तर, धान के बाल, जयंती, अशोक के पात लगातक 9 प्रकारक शुभ वनस्पति के गाछ वृक्ष तथा प्राकृतिक फल फूल के पूजा कर देवी मंदिर में फूलपाती लाओ जाते। देशक दूर दूर में थुमका थुमका देवराली कोटघर नजदीक रहल संडी थान, देवराली वनखंड तथा निर्धारण गुठियारक घर से फूलपाती मूल मंदिर में लेवाक चलन रहे। संगे घर घर में स्थापित देवी आराधना के घर में सेहो फूलपाती लेवाक चलन। परंपरा अनुसार आजुक दिन गोरखा दरबार से लाल गेल फूलपाती का राजधानी काठमांडू के दशमी घर में लेवाक चलन। गोरखा से 6 गोट मगर पुजारी धादिंग होइत बोई कलौने फूलपाती काठमांडू के टूड़ी खेल में नेपाली सेना हर्ष बढ़ाइब के संग स्वागत कला बाद विधिपूर्वक पुजारी सब दशमी घर में लवते। तेना नुआकोट के दरबार से लाउल गेल फूलपाती सेहो क्षेत्रपाटी भुंडे स्थान गुरुजो पल्टन हनुमान ढोका दशमी घर में लाबिक लेवाक चलन सेहो रहे। मुदा कोरोना वायरस के कारण प्रतीकात्मक रूप में मात्र फूलपाती पावन सेहो मनाब रहा है। हनुमान ढोका दरबार स्थित दशमी कक्ष में शुक्र दिन करीब 3:15 बजे गोरखा से आनल गेल आशा गुर्जा आ कल सियौड़ी सहित के फूलपाती राखल जाइत अछि। गोरखा से आनल गेल आशा गुर्जा आ कल सियौड़ी सहित के फूलपात के हनुमान ढोका दरबार से स्वागत के लेल आनल गेल सरकारी टोली जमल में स्वागत एवं ग्रहण क दशमी कक्ष में राखबाक कार्यक्रम रहल। नेपाली सेना के शार्दुल जंग गुलमपति विकास साक के जानकारी देलन अछि। कोरोना से बचाव करैत कम संख्या में रहल कर्मचारी एही समारोह में सहभागी होयत। एही बीच वर्ष के एक दिन महानवमी के दिन सर्वसाधारण के लेल खुला कैल जाय वाला हनुमान ढोका स्थित तुलजा भवानी एहि बेर कोरोना महामारी कारण नहीं खोलल जायत। मुदा भवानी के मुख्य पुजारी उद्धव कर्माचार्य के अनुसार तुलजा में साबिक पूजा होयत। नेपाली सेना आइ दोपहर में सैनिक मंच टूड़ी खेल में फूलपाती हर्ष बढ़ाई समारोह आयोजना कऽ रहल अछि। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ओ नेपाली सेनाक परमाधिपति छथि। एहि वर्ष के फूलपाती बढ़ाई धर्म, संस्कृति आ परंपरा के निरंतरता देबाक उद्देश्य के साथ सांकेतिक रूप में मात्र आयोजना कयल जायत। धार्मिक आ सांस्कृतिक परम्परा अनुसार दुर्गा पूजा एवं
विजयोत्सव के संगे जोड़ल गेल फूलपाती बढ़ाई के बृहद इतिहास रहलाक बावजूदो नेपाली सेना द्वारा टूड़ी खेल में मनाओल जाय वाला फूलपाती हर्ष बढ़ाई पृथ्वी नारायण शाह के समय से होत आयल पछला वर्ष सब में सेना भव्य समारोह के आयोजना क फूलपाती बढ़ाई हर्ष उल्लास के साथ मनावत आयल छल मुदा COVID-19 के संक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति के कारण संस्कृति आ परंपरा के जीवंतता देवाक हेतु प्रतीकात्मक रूप में मात्र एहि वर्ष के फूलपाती हर्ष बढ़ाए आयोजना कैल जबाक सैनिक प्रवक्ता संतोष बल्लभ पौड़ेल जानकारी देलनि। आज कार्यक्रम छोट अर्थात करीब आधा घंटा के होयत। एहि अवसर में सेना के अति कम सकल दर्जा के सहभागिता में लहड़े इकट्ठाक अतिरिक्त तोप बढ़ाए आ बैंड प्रदर्शन कैल जात। अतिथि के संख्या कटौती क 100 गोटे में सीमित कैल गेल जानकारी देलनि। सब अतिथि के उपस्थित होय वाला स्थान में मास्क आ सैनिटाइजर के प्रयोग अनिवार्य कैल गेल। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आ बाकी समाचार। नवरात्रि मनेबाक लेल विगत 24 घंटा में 5,480 सवारी साधन सँ 33,446 यात्री काठमांडू उपत्यका सँ बाहर गेल महानगरीय ट्रैफिक महाशाखा जनौलक अछि। ट्रैफिक महाशाखा के तथ्यांक में आसिन 1 सँ कार्तिक 4 गते धरि काठमांडू उपत्यका सँ 152,638 सवारी साधन बाहर गेल अछि। एक महीना में 6,70,081 यात्री काठमांडू सँ प्रस्थान केने अछि। एहि समय में काठमांडू उपत्यका में 153,610 सवारी साधन सँ 6,20,089 यात्री प्रवेश केने अछि। विगत के वर्ष में दशमिक समय में काठमांडू उपत्यका छोड़ि कऽ जाय वाला सबके संख्या 30 लाख के हाराहारी में होइत छल मुदा इस साल 6 लाख मात्र होबाक अनुमान कयल गेल अछि। आसिन महीना में उपत्यका छोड़य वाला आ प्रवेश करय वाला के संख्या बराबरे देखल गेल अछि। किछु दिन इम्हर काठमांडू आबय वाला सबसँ बेसी बाहर जाय वाला सवारी साधन के संख्या बढ़ल अछि। नवरात्रिक समय काठमांडू उपत्यका छोड़ि कऽ जाय वाला सबके संख्या 15 लाख के हाराहारी में होइत छल मुदा एहि वर्ष 3 लाख मात्र अछि। बीतल 24 घंटा में 5,480 सवारी साधन सँ 33,446 यात्री काठमांडू उपत्यका सँ बाहर गेल अछि तऽ 4,456 सवारी साधन सँ 16,948 यात्री उपत्यका प्रवेश केलक ट्रैफिक महाशाखा जनौलक अछि। सरकार विश्व बैंक समूह के अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था से बजट धरि सहायता के रूप में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थात करीब 24 अरब रुपया सहूलियत पूर्ण ऋण स्वीकार केने अछि। विविध विकास कार्यक्रम में खर्च करबाक उद्देश्य के साथ उक्त सहयोग स्वीकार कयल गेल। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री एवं सरकारक प्रवक्ता पार्वत गुरुंग जानकारी देलनि अछि। बृहस्पति दिन मंत्रालय में 2077 कार्तिक 4 गते बैसल मंत्रिपरिषद के बैसार के निर्णय सार्वजनिक करबाक हेतु आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मंत्री गुरुंग अर्थ मंत्रालयक प्रस्ताव में उक्त सहयोग स्वीकृत कयल गेल बतौलनि अछि। बैसार सँ कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव में न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान खरीद आ व्यवस्थापन करय वाला निर्देशिका 2077 स्वीकृत केने अछि। मंत्रालय को प्रस्ताव में न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान खरीद र व्यवस्थापन करने निर्देशिका 2077 स्वीकृत करने निर्णय गरेको छ। नेपालमे संचालित उत्पादन मूलक उद्योग सबमे नेपाली जनशक्ति आ श्रमिक सबसँ संभव नहि रहल काजमे विदेशी श्रमिक आनबाक सम्बन्धमे निश्चित मापदण्ड पूरा कऽ विदेशी श्रमिक आनबाक हेतु अनुमति देबाक लेल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के प्रस्ताव के समेत स्वीकृत केने अछि। मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन मूलक उद्योगहरुको नेपाली जनशक्ति र नेपाली श्रमिकहरूबाट सम्भव नभएमा विदेशी श्रमिकहरू उपलब्ध गर्नको निम्ति प्रस्ताव थियो। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति कार्यकारी निर्देशकमे सिन्धुलीक आशिष गजरेलके नियुक्त करबाक निर्णय सेहो मन्त्रिपरिषदके बैसारसँ कयल गेल अछि। तहिना अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनके विधान अनुमोदनके लेल संघीय संसदमे पेश करबाक लेल स्वीकृति प्रदान करबाक समेत मन्त्रिपरिषदके बैसारसँ निर्णय कयल गेल अछि।
कोविड-19 के कारण कमी एवं अनुमान कैल गेल विप्रेषण अप्रवाह अर्थात रेमिटेंस रकम चालू आर्थिक वर्ष के 2 महीना अर्थात सावन आ भादो में बढ़ल 2 महीना में रेमिटेंस नेपाली रुपया में 8.1% से अमेरिकी डॉलर में 2.6% से बढ़ल। कोरोना भाइरस महामारी के कारण घटक के अनुमान कैल गेल विप्रेषण अर्थात रेमिटेंस बढ़ते जा रहा है। चालू आर्थिक वर्ष के 2 महीना अर्थात साउन आ भादो में 1,65,73 करोड़ रुपया रेमिटेंस नेपाल आयल नेपाल राष्ट्र बैंक जानकारी देने। ई रकम पिछला आर्थिक वर्षक पहल 2 महीना के तुलना में 8.1% से बेसी रहा है। पिछला वर्ष के साउन आ भादव अवधि में रेमिटेंस 0.6% से घटल छल। चालू वर्षक पहल 2 महीना में अमेरिकी डॉलर में आवल रेमिटेंस 2.6% से बैठक 1,39 करोड़ रुपया पहुंचल। पिछला वर्ष एहन रकम 1.6% से घटल छल। 2 महीना में वैदेशिक रोजगारी के लिए अंतिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत नया वैधानिक ऋण लेबला नेपाली के संख्या 99.2% से घटल। पिछला वर्षक यह अवधि में एहन संख्या 0.2% से बढ़ल छल। वैदेशिक रोजगारी के लिए फेर से श्रम स्वीकृति लेबला नेपाली के संख्या 2 महीना में 86.5% से घटल। पिछला वर्षक यह अवधि में एहन संख्या 10.3% से बढ़ल छल। समीक्षा अवधि में खुद ट्रांसफर 4.4% वृद्धि भक रु 183.66 करोड़ रुपया पहुंचल केन्द्रीय बैंक जानकारी देने। पिछला वर्षक व्यय अवधि में एन ट्रांसफर 0.5% बढ़ल छल। चालू आर्थिक वर्ष के पहल महीना में विप्रेषण अप्रवाह 23.0% वृद्धि भक 92.71 करोड़ रुपया रहा छल। पिछला वर्षक पहल महीना के तुलना में समीक्षा अवधि में विप्रेषण अप्रवाह 2.0% से बढ़ल छल। अमेरिकी डॉलर में विप्रेषण अप्रवाह 14.5% से बढ़ल तथ्यांक केन्द्रीय बैंक सार्वजनिक ने हिसाब। हरिश्वर न्यौपाने काठमांडू। अब आर्थिक समाचार। सोन के मोल में कमी नहीं आव सकलाक बाद नेपाली बाजार में कारोबार 90% से घटल। उपभोक्ता सब उचित अवसर के प्रतीक्षा में रहल देखल गेल। कोरोना वायरस के वैक्सीन तैयार भेला पर या कोरोना संक्रमण में कमी एला पर माल मोल में सेहो कमी आव सकबाक अनुमान कयल गेल। अमेरिका चीन बीच के व्यापार युद्ध संगे बीतल वर्ष साउन से बढ़ल सोन के मूल्य कोरोना वायरस महामारी के बीच तोला में 25,000 से बढ़कर नेपाली बाजार में साउन 23 गते 1,03,500 रुपया दर के रिकॉर्ड बनौलक। अमेरिका चीन बीच के द्वंद से तोला के 75,000 रुपया पहुंचल। सोन के मूल्य विश्वव्यापी कोरोना महामारी के बाद 1,03,500 दर पहुंचल। बाद में रूस कोरोना वैक्सीन निर्माण करने खबर सार्वजनिक भेल लगले एक दिन मोल में 6,200 रुपया से घटकर 94,500 रुपया में गिरल। बृहस्पति दिन 10 मई से पहले अंतिम कारोबार के दिन 95,700 रुपया में किन बेच भक बाजार बंद भेल। इस बीच में सुस्ताल सोन के कारोबार 10 मई पहले समय में 10% धर रहल व्यवसायी सबक कहब रहल। 10 तोला किन्न मान्छेले किन्न पर्ने मान्छेले अहिले 2 तोलामा काम चलाइ राख्नु पर्ने पनि बाध्यता पनि आयो। त्यसले गर्दाखेरि भोलम अफ ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ निकै घट्न गएको छ र यो व्यापार व्यवसाय कसरी चलाउने भन्ने चिन्ताले हामी व्यवसायहरू पनि निकै आक्रान्त भएको हामीले पाएका। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिसेम्बर से कोरोना महामारी के ने असर नेपाली बाजार के कारोबार में चैत से लकडाउन शुरू भेला बाद देखल गेल। सीजन के समय दैनिक 50 किलो धरि होवला कारोबार दैनिक 5 सोलह 10 किलो में समटायल। क्रय शक्ति कम होने अति आवश्यक वस्तु के लिए रकम संचय कर दिस उपभोक्ता लागल कारण से बाजार प्रभावित बनल। चीन अमेरिका बीच के द्वंद कम होबाक आ कोरोना घटल तो सोन की मोल सोच से बेसी घटबाक विश्लेषक सबक अनुमान रहल। उपभोक्ता सब देख आ लेव के अवस्था में पहुंचल। अमेरिका में नवंबर में होबला राष्ट्रपति निर्वाचन से मोल में थप घट सहयोग करवाक बताओ जा रहा है। किस समय के बाद 1,800 डॉलर अर्थात 90,000 के आसपास में घटवाक अनुमान कैल गेल। सोन ओई के किस दिन बाद 1,500 डॉलर धर घटवाक अनुमान कैल गेल। एखन 1,900 डॉलर के आसपास में सोन के कारोबार भरल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुमान में यो 1,500 देखि 1,700 सम्म सम्बन्ध धर्न सक्ला भन्ने अनुमान भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के पनि अनुमान गरेका थियौँ भने कम से कम धेरै नभए पनि 90,000 सम्म त कम आउला कि भन्ने अनुमान भएको थियो। तर अहिले आएर त्यति पनि आउने सम्भावना चाहिँ कम देखिया छ किनभने 2-4 अब 1.5 महिना अगाडिसम्मको स्थितिमा के छ भने यो 1,800 डलर त पक्कै पनि आउँछ भन्ने कुरा ठोस रूपमा चाहिँ नि सुझाव आएको थियो अनुमान पनि आएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यदि 1,800 सम्ममा आयो भने करिब करिब हाम्रो 90,000 पर्न जान्छ। बितल वर्ष सोन प्रति तोला 60,65,000 का आसपासमै रहल छ। हरिशर न्यौपाने काठमाडौँ। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम।
मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में राष्ट्रपतीय निर्वाचन चुनाव से पहले अंतिम बहस में राष्ट्रपति ट्रंप आ हुनकर डेमोक्रेटिक प्रतिस्पर्धी जो बाइडन सहभागी भेल छथि। टेनेसी राज्य के नासविल में जारी बहस के हेतु निश्चित कैल गेल विषय में कोविड-19 विरुद्ध के लड़ाई, अमेरिकी परिवार, जातीय विषय, जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रीय सुरक्षा आ नेतृत्व रहल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम BBC जनौलक अछि। बहस के प्रस्तोता NBC न्यूज के व्हाइट हाउस संवाददाता क्रिस्टन वेलकर शुरू में ट्रंप के राष्ट्रपतीय बहस पश्चात 16,000 अमेरिकी की कोविड-19 के कारण मृत्यु भेल विषय में प्रश्न केला पर ट्रंप खूब तैयार भ चुकल आ किछु हफ्ता में घोषणा कैल जात बतौलनि अछि। ई बहस दुनू कोई के चुनावी अभियानक लेल अत्यधिक प्रभावकारी होब सकबाक विश्वास कैल गेल अछि। करीब 2 व्यक्ति के उपस्थिति में कैल गेल बहस हॉल में 200 व्यक्ति के उपस्थिति में कैल गेल बहस हॉल में एहि बेर आयोजक ओहिठामक उपस्थिति सब केओ के अनिवार्य रूप में मास्क लगाबऽ पड़बाक नियम बनौलक अछि। आब खेलकूद समाचार। सनराइजर्स हैदराबाद UAE में जारी 13वें संस्करण के इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के पराजित केने अछि। दुबई में काल रात मनीष पांडे आ विजय शंकर शानदार प्रदर्शन केलाक कारण हैदराबाद राजस्थान के 8 विकेट से पराजित केने अछि। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान द्वारा देल गेल 155 रनक लक्ष्य हैदराबाद 18 ओवर दो बॉल में मात्र 2 विकेट के क्षति में पूरा केलक। हैदराबाद के जीत में पांडे आ शंकर अर्धशतकीय इनिंग्स खेललन। एहिसँ पहिने टॉस हार कऽ पहिने बैटिंग करनिहार राजस्थान 20 ओवर में 6 विकेट के क्षति में 154 रन बनौलक छल। हैदराबाद के जॉसन होल्डर आ 3 विकेट लेने छलथि, तहिना विजय शंकर आ राशिद खान सेहो 1-1 विकेट लेलथि। जीत संगे हैदराबाद 10 खेल में 8 अंक जोड़ने अछि। हैदराबाद तालिकाक 5वें स्थान में समेत पहुँचल अछि। इम्हर राजस्थान 11 खेल में 8 अंक जोड़ने अछि। तऽ सीजन के पहिल भेंट में राजस्थान हैदराबाद के 5 विकेट सँ पराजित केने छल। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार फेर सँ एक बेर। आई विजयादशमीक सातम दिन आश्विन शुक्ल सप्तमी तिथि माता सरस्वती के कयल जा रहल अछि पूजा आराधना। कोविड-19 सँ सेनाक फुलपाती हट बढ़ाए प्रभावित, अतिथि के मास्क आ सैनिटाइजर के प्रयोग कयल गेल अनिवार्य। नेपाली बाजार में सोनक कारोबार 90% सँ घटल, उपभोक्ता सब छथि उचित अवसर के प्रतीक्षा में। अमेरिका में राष्ट्रपतीय निर्वाचन के प्रचार प्रसार अंतिम चरण में राष्ट्रपति ट्रंप आ प्रतिस्पर्धी जो बाइडन प्रचार प्रसार के दलन तीव्रता। IPL T20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स पराजित, 155 रन के लक्ष्य हैदराबाद 18 ओवर 2 बॉल में मात्र 2 विकेट में केलक पूरा। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamachar.com में सेहो पढ़ देखा सुन सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप से हाथ धो, भीड़भाड़ से अलग, घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।